नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही, क्योंकि राज्य के दर्जे बहाली को लेकर लगातार आरोप किस तरह से लग रहे हैं और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बताते चले कि पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के एजेंडे को जारी रखने का आरोप लगा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के घोषणा पत्र में किए हुए दावे से मुकर रही है और विपक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना चुनावी वादा याद दिलाते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास किया जाए और 370 पर कोई समाधान ना होना एक बड़ा झटका है। पीडीपी की तरफ से बड़ा बयान, कैबिनेट की बजाय विधानसभा में ये पारित होना चाहिए था प्रस्ताव। पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बात कही गई और भारत में यहाँ आप देखिए किस तरह से अब लगातार बातें पहले उठ रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है। भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं उमर, इंजीनियर राशिद के तरफ से बड़ा बयान और उमर ने किस तरह से अब अपनी कमान को संभाला है। उमर अब्दुल्ला का भी पलटवार इस सब पर हुआ है। वो कह रहे हैं कि पहले पैर तो जमाने दीजिए, उसके बाद वादे को पूरा भी किया जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात अब 2014 से पहले वाले नहीं बचे हैं, पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियां हैं, इसलिए रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला का भी ये पलटवार हुआ है, लेकिन इससे पहले उमर अब्दुल्ला को भी सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम हिंदू बनाया गया, जम्मू का बनाया गया और जो भेदभाव की बात हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है और वो मेरी पार्टी से भी नहीं है, जिसमें परिवारवाद की बार बार बात होती थी। लेकिन अब पीडीपी पार्टी की तरफ से जिस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया कि सबसे पहले जिस तरह राज्य का दर्जा को लेकर बात हो रही है तो 370 और 35 को लेकर होनी चाहिए थी, क्योंकि जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया था उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकरती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला लगातार पलटवार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा सा समय दे दीजिए, उसके बाद सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सोहेल काजमी जी हैं जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन, और मोहसिन खान हैं पीडीपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। एडवोकेट निलोफर मसूद हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। लेकिन उससे पहले लगातार आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जब नई सरकार का गठन हुआ है तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से कैबिनेट का विस्तार किया गया, पोर्टफोलियो किस तरह से रखे गए, लेकिन उस बीच में डिपार्टमेंट्स को भी बांटा गया है। अब यहाँ पर रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है, एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। लेकिन इस बीच में विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से निशाना साध रही हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए टाइमिंग को पूरी तरह से दुरुस्त करते हुए आप देखिए किस तरह से पीडीपी पार्टी ने निशाना साध दिया है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के एजेंडे को जारी रखने का काम कर रहे हैं, इस तरह से आरोप लगा दिया गया है। और फिलहाल बताते चले कि 370 पर अपनी बात को सामने रखने की जरूरत थी, क्योंकि 370 पर कोई समाधान ना होना ये एक बड़ा झटका है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पीडीपी की तरफ से, क्योंकि वहीदुर रहमान परा को भी आपने सुना था, आज जिस तरह से रेजोल्यूशन को लेकर बात उठी उसके बाद ही वहीदुर रहमान परा की एक बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई, लेकिन उसके साथ यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी अपने पक्ष को सामने रखने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने हमेशा आप देखिए किस तरह से डिप्टी सीएम का पद जो है वो चुना, या तो वो अलायंस पार्टनर रहे या फिर किस तरह से दबाव में आकर डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, लेकिन इस बार जो डिप्टी सीएम बनाया गया वो अपनी ही पार्टी से बनाया गया और साथ ही साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और वो मेरे परिवार से भी ताल्लुक नहीं रखते थे। चलिए एडवोकेट निलोफर इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। चलिए चारों गेस्ट हमारे साथ आ गए हैं, सरबजीत सिंह भी हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत। मोहसिन खान हैं पीडीपी से, आपका भी स्वागत। सोहेल काजमी जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी निलोफर जी, एक बड़ा आरोप पीडीपी पार्टी की तरफ से, जब चुनाव नहीं हुए थे तो अलायंस पार्टनर बनने के लिए भी तैयार थे, समर्थन देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अब पीडीपी के भी सुर बदले बदले हैं और लगातार निशाना आप लोगों पर साध रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए आशा जी, मुझे लगता है ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बौखलाहट है और इंडिविजुअल्स की, जो ये नैरेटिव फैलाकर इलेक्शन लड़ रहे थे या लड़वा रहे थे कि शायद बीजेपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार बनाएगी वो बीजेपी के साथ हाथ बनाएगी। वो नैरेटिव फेल हो गया, क्योंकि जब हम अलायंस में आए लोगों को ये पता चला कि एक सेक्युलर पार्टी जो है उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ बनाया, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं
हमने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्टियां जो श्रिंक हो गई है, जिनको इस वक्त सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि वो 6 सीटों पर 3 सीटों पर आ गई है, उनको मंथन करना चाहिए अपनी जगह। वो मोहसिन मंथन जी तो करेंगे नहीं, अभी वो जुमा कह रहे जुमा कि 8 पहले तो दिन नहीं आपको हुआ, खुद ही एक मंथन हफ्ता करने नहीं की हुआ है, जरूरत है, काउंसिल क्योंकि ऑफ मिनिस्टर्स 28 अभी सीटों से बना सीधा नहीं सीधा है। 3 सीटों पर आप तो लोग से ये बट गए। ब्लेम गेम जो है ये इन्होंने शुरू किया है, हाँ ये जवाब बहुत ही दीजिए। बदकिस्मती की बात है। ठीक है इनको नीलोफर जी, थोड़ा समय देना चाहिए हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी जवाब दीजिए मोहसिन। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय देना चाहिए था, अभी महज कितने ही समय हुआ है सरकार चलते, और सबसे पहले तो आपको अपने आप में झांक कर देखने की जरूरत है। 28 सीटों से देखिए 3 सीटों पर आप देखिए आ गए। आशा जी, सबसे पहले मैं उमरुद्दीला साहब को इस बात की बधाई देता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर आला बनने पर। लेकिन जो आज इलेक्शन में जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल किया, उसमें सिर्फ ये बात बताई गई कि 370-35 हो, इस सब को हम रिवोक करने की, वह फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जू ही जम्मू कश्मीर के वजीर आला का हलफ लेने के बाद ही उमर साहब ने इस पर यू टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। कहने का यह है कि कैबिनेट के डिसीजंस जो होते हैं वहां पर डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं, चाहे हमें रोड बनाने हैं, ट्रांसफर नहीं ऑफिसर्स की मोहसिन, करनी है, या मोहसिन दूसरी मोहसिन, काम करने आपको हैं यू डेवलपमेंट टर्न इश्यूज, कहां से उनको लग रेज रहा है? करना होता है। क्या उमर अब्दुल्ला की लेकिन तरफ से जो कोई थ्री स्टेटमेंट सेवेंटी दी गई? है या 35 है या मोहसिन स्टेट आवाज आ रूल रही है है, क्या? ये स्टेट के हाई प्रोफाइल इश्यूज है, इसको नीलोफर बहुत खुश हो असेंबली के रही है। अंदर डिस्कस करना था, जहां मोहसिन पर आवाज आ रही है अपोजिशन के क्या? लोग मौजूद होते हैं, को जहां कोस ले पर लिया, शायद नेशनल मेरी आवाज कॉन्फ्रेंस नहीं हो पहुंच पा चुकी रही है उन तक। अभी। आज 19 है, आज तो वैसे भी सेक्रेटरीट बंद था, अभी 2 ही दोगे उनको सेक्रेटरीट जाते हुए। ये बदकिस्मती की बात है, 2 दिन में ही इन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट किया। कम से कम मंत्रिमंडल जो है उसको तो पूरा होने दे दीजिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 को छोड़ेंगे, एक जद्दोजहद है, पॉलिटिकल जद्दोजहद, और हम सरबजीत शुद्धोमत से जी, उसके लिए सोहेल लड़ेंगे। जी, मैं आपके आज पास ही आ रही, आपने थोड़ा उमर सा साहब का समय बयान भी दीजिएगा। सुना होगा, सरबजीत जी, सरबजीत बयान भी जी, आपने सुना होगा जिसमें पीडीपी ने उन्होंने आरोप क्लियर लगाया। ठीक है, चीज मैं दिया। नीलोफर जी एक जी जवाब मैडम, सरबजीत जी से, क्योंकि बीजेपी के लिए ही सारा आरोप लग रहा है। पीडीपी कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के एजेंडे को कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आशा जी, ये इनकी अपनी आपसी लड़ाई है, पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये इनके मुद्दे हैं। देखिए 370 ये बीते वक्त की बात है, ये ना तो वापस आएगा ना इस पे इनको टाइम वेस्ट करना चाहिए। रही बात स्टेट उड़ की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कहा था कि इलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद जब भी हालात साजगर होंगे स्टेट उड़ दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी मुकरा नहीं है। रही बात आज जो हालात हैं यहाँ, ये आपस में लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान होगा जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है। आज डेवलपमेंट की बातें, आज जो इन्होंने 1 लाख नौकरी देनी है उसकी बातें करें, जम्मू से जो इन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, आज लोग वहां देख रहे हैं, ठीक और है, ये जानबूझ के इसको 370 हाँ तीन ठीक सौ है सरब जी सत्तर जी तीन सौ सोहेल जी, सत्तर क्या एक बिहाइंड द बीता कर्टन हुआ कुछ चल समय रहा है है? जो नहीं अब ठीक वापस है, एक नहीं मिनट आएगा। आप यहाँ सरब के जी जी सुन नौजवानों के लीजिए, बारे में सोचिए, जो आपने सोहेल मैनिफेस्टो जी, लिया है उस पे चर्चा कीजिए। सोहेल जी, क्या बिहाइंड द कर्टन कुछ चल रहा जी है आशा जी, जो भाप गई है पीडीपी, कुछ ऐसा? देखिए अभी 2-3 दिन की सरकार है, और 2-3 दिनों में जिस तरह की बैटिंग उमर लेड सरकार कर रही है वो रिमार्केबल है। और दूसरी ये है कि उनको आंसर किसको देना है, उमर साहब को सुजेशन किससे लेना है, और उनको तालमेल किससे बनाना है, या तो मरकज की सरकार से बनाना है, या उनके जो अलाई हैं उनके साथ जिन्होंने ज्वाइंटली इलेक्शन लड़ी है उनके साथ अपना करना है। पीडीपी का सुजेशन जो है वो बहुत अच्छा है, वो अपना सुजेशन रखे असेंबली में, जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं या बाकी पार्टीज के नुमाइंदे हैं वो रखे। बीजेपी के पास तो बहुत बड़ा नंबर है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, अब तो डिप्टी स्पीकर भी उनका शायद आ जाएगा असेंबली में, तो वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए जो उन्होंने वादे किए थे वो 1 दिन में पूरे होने वाले तो वादे है नहीं, आर्टिकल
आर्टिकल 370 का उन्होंने खुल के कहा कि हम इस हुकूमत से उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांग सकते। फारूक साहब ने कहा एक साल 100 साल भी हम जंग लड़ते रहे तो आर्टिकल 370 के लिए हम फाइट करते रहेंगे। जहां तक स्टेटहुड की बात है, उन्होंने रेजोल्यूशन एक पास किया और वो ऑनरेबल गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया उनका रेजोल्यूशन, और वो कह रहे हैं कि खुद ही कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से खुद मिल रहा हूँ और वो रेजोल्यूशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा। लेकिन नीलूफर जी भी वकील है, मैं भी थोड़ा बहुत वकालत जानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कि जो रिट पिटीशन हमारी लगी है, मुझे लगता है चंद्रचूड़ साहब का जो 5 बेंच है वो जरूर स्टेटहुड की सुनवाई करेगा और स्टेटहुड हमारी जो है थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर होगी। सहमति किसके साथ बनानी है जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है, लेकिन परेशानी किस बात की? उसके बिना भी चलता नहीं। हमारा मानना यह है कि आखिरकार कैबिनेट मीटिंग में क्यों यह रेजोल्यूशन लाएगी, असेंबली का सेक्शन लगने तक इसका वेट क्यों नहीं किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से हमारे सीनियर सहाफी साहब यहां पर है, उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी के पास एक अच्छा नंबर है जहां असेंबली के अंदर जो है एक डिबेट होती इस पर, जिसमें रूलिंग पार्टीज के लोग भी होते, जिसमें अपोजिशन के लोग भी डिस्कस करते और एक असेंबली से जो रेजोल्यूशन जाती उसका कहीं ना कहीं मरकज को भी इस बात का होता एहसास कि 5 अगस्त को हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी की है। और दूसरी बात यह है कि जो 2014 के बाद जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने और फिर गठबंधन टूट गया, उसके बाद 2019 में एक बड़ा फैसला हुआ, वो पीडीपी पार्टी को याद नहीं आ रहा है क्या? देखिए मैम, जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचडी बनी और पीएचडी इसी बेस पे बनी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम अगर इस वक्त देखें तो डेवलपमेंट काम जो है कमिश्नर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा हो रहे हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। लेकिन पीएजीडी का बनने का मकसद यही था कि जो हमारे अपनी खुसूसी पहचान जो हमने अपनी नीलूफर जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट को पहले होने देना चाहिए था, फिर उसके बाद बहस होनी चाहिए थी, फिर जाके इस पर काम होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली क्यों किया? जम्मू कश्मीर के हवाले से 370 की बात नहीं की जाए, 2019 नहीं आता अगर पीडीपी हाथ नहीं मिलाती बीजेपी के साथ, तो बीजेपी का एजेंडा अगर किसी ने चलाया है उसमें पीडीपी का ही रोल रहा है और पीडीपी की ही वजह से 5 अगस्त 2019 हो गया, ये उनको रियलाइज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। नंबर एक, आरी वारी मोहन जी, एक सेकंड के साथ जो पीडीपी का अलायंस हुआ वो एक एजेंडा था। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? मोहसिन जी थोड़ा सा वेट कीजिए। उन्होंने खुद इंडिया ब्लॉक के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिए, तो किस इतिहाद की बात कर रहे हैं? उस इतिहाद की बात जिसमें रहकर भी ये नहीं रहे, पूछ लीजिए आप ये किस एजेंडे की बात कर रहे हैं? अगर मोहसिन जी में जो कांटे कश्मीर के अंदर आवाज आ रही है क्या? कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है अलायंस जम्मू कश्मीर उन कांटों को निकाला जाए, इनको कोऑपरेट करना चाहिए, यहाँ की लोगों की शक्तियाँ जो है उनको खत्म करने के लिए इनको एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर कह रही है कि किस एजेंडे की बात कर रही है पीडीपी? ये ब्लेमिंग में है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ वो आप ही की तो देन थी। हमने एक सेकेंड सरबजीत जी किया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस है उसमें हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक एजेंडा क्रिएट किया, लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदतरीन हालात गुजरे हैं, जिसमें टाटा जैसे कानून, पोटो जैसे कानून लागू लाए गए, मिलिटेंसी 1996 के अंदर जब आर्मी कैंप्स में जाकर इन लोगों ने इलेक्शन लड़े, इन 10 सालों में आपने क्या किया? याद नहीं है आप ये जब मत कश्मीरी पंडितों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूम में अपनी वादी को पीडीपी मान रही है ना, 2019 के बाद जो बड़े फैसले हुए वो पीडीपी की वजह से थे, कह रहे थे अभी मोहसिन जी आया कहीं ना कहीं 2024 के असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वजीराला बनने के बाद। चलिए रुके रही है कि यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी की तरफ से ही ये हालात बनाए गए थे, पिछले 10 सालों में क्या काम किया गया जम्मू कश्मीर के? अच्छा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये दोनों एक दूसरे को कोसें, लेकिन जो कश्मीर के हालात हैं ये खराब करने में इन दोनों पार्टियों का हाथ रहा है। आप जानते ही हैं कि इससे पिछले 10 सालों से शायद आप भूल गए, हुकूमत कौन कर रहा था 10 सालों से? बीजेपी हुकूमत कर रही थी, ये सपोर्ट करते थे पीडीपी को, तो उन्होंने 2008 आज ये अलायंस पार्टनर भी बने,
शिकार गैंग भी आया, बाद में क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन आज जितने हालात जो आज इतना एक साजगार हालात माननीय प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की देन है, कश्मीर में इतने बढ़िया हालात, जम्मू में इतने अच्छे हालात बनाना, और अब ये सरकार में आए हैं तो लोगों के विकास के प्रति, लोगों के और जो इनके एजेंडे हैं उसको कामयाब, अब ये आपस में एक दू करते रहेंगे, अब दफा 370 छोड़ो इसको, आगे बढ़ना चाहिए। दीजिए जवाब दोनों पार्टियों, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि 370 को छोड़ो, अब आगे बढ़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मोहसिन जी पहले इस पर आप जवाब दीजिए, आर्यू में निलोफर जी एक सेकेंड, निलोफर जी एक सेकेंड, मोहसिन जी जवाब दीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 370 पे पूरी स्टैंड है, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी इस बात को बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बड़ी इंसाफी हुई है, और बीजेपी को जितनी अपनी जो एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में के अंदर करना था वो उन्होंने कर डाला, और हम वसूख के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की तहफ्फुज करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फुल फ्लैश स्टैंड है 370-35 की हम लड़ाई लड़ेंगे, और हम उमर अब्दुल्ला साहब के साथ इस आईवान के अंदर मतलब एक बार फिर से आप लोगों को एक सपना वो दिखाएंगे जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। निलोफर जी ये आशा जी ये बिना मतलब के बात है, इनका स्टैंड अप स्टैंड वोट मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो में हर एक पार्टी की तरफ से इस पर चर्चा की गई, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद बदले बदले सुर नजर आए। निलोफर जी यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, हाँ जी ठीक है सरबजीत जी, सरबजीत जी सुन लीजिए पहले, तो जिन्होंने 370 को खत्म किया आज वही जुदोजहद करने के लिए कर रहे हैं कि हम क्लेम करेंगे कि हम 370 को वापस लाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, ऑन बोर्ड कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, 5 अगस्त 2019 नहीं होता अगर पीडीपी हाथ नहीं मिलाती बीजेपी के साथ, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, और आज ये उसी का राग चला रहे हैं कि 370 खत्म हो गया। अरे भाई आपने तो खुद खत्म किया, आप क्या जुदोजहद करेंगे उसके लिए, नंबर एक। नंबर दो, इनको मंथन करना चाहिए, बातें करें अभी 3 दिन ही हुकूमत को हो गए, इनको मंथन करना चाहिए, 3 सीटें इन्होंने ले ली है और बीजेपी ने तो एक भी नहीं ली, जो उमर साहब कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सोच विचार करें क्या वजह है कि दुनिया को इन्होंने कहा 370 हमने खत्म किया, सब जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, तो क्या वजह है बीजेपी ने एक सीट सोहेल जी ली, और सोहेल जी आपको लगता है कि अब सरकार बनने के बाद 370 पर चर्चा करना जरूरी है या फिर लोगों के मसलों पर चर्चा करना जरूरी है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे थे कि नुमाइंदा नहीं है कोई। देखिए आशा जी, आर्टिकल 370 पर चर्चा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, रिव्यू पिटीशन लगी है, नीलोफर जी खुद एडवोकेट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को देखेगा उसके बाद इसकी बात होगी। अभी बात है, सरकार आई है, सरकार को स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पास करनी है, सरकार को लोगों के हितों के लिए काम करना है, अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, अपोजिशन को एक बड़ी हेल्दी अपोजिशन की तरह गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के, जो सरबजीत जी कह रहे हैं कि हम 10 साल से हमने पीस मोदी लेट सरकार ने लाया है, उस पीस को आगे प्रवेल करना है आने वाली सदियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बैठ के हाथ से हाथ मिलाए और मोदी जी के आशीर्वाद ले और जम्मू कश्मीर को रिहैबिलिटेट करते रहे, इससे बड़ी खिदमत क्या होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आर्टिकल 370 जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद उसके लिए जंग लड़ता रहेगा और जब जंग जीतेगा या हारेगा तब बात करेंगे। अभी जो मुद्दा आधार असेंबली लोगों ने दी है, अब ये मेरे भाई कह रहे हैं पीडीपी वाले कि 5 अगस्त 2019 से कुछ नहीं हुआ, 5 अगस्त 2019 की रिटेलिएशन में आप 3 नंबर पे आए हैं। लोग समझदार है, जम्मू कश्मीर के लोग इंटेलेक्चुअल क्लास है, विचार विमर्श करते हैं, कश्मीरी तो बहुत ज्यादा करते हैं, वो वोट अपना जाया नहीं करते। ये 60-65% जो परसेंटेज आपने देखी है ये इंडिकेट करती है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार की भागीदारी में आगने वाले मुस्तकबिल को संवारने में आप सबको उस तरह की नुमाइंदगी देके असेंबली में भेज रहे हैं कि रियल
चीजों पे, रियल एस्पायरेशंस पे हुकूमत काम करे, और उसके लिए नंबर आपके पास आ गया, एक अच्छी सरकार, स्थिर सरकार है। आप क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करेंगे, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन ये हेल्दियर ये है, वन नंबर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नंबर टू पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, मरकज के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्कुल उनकी है, जरूरत नहीं है, अब मुद्दों की बात करने की जरूरत है। सुहेल काजमी जी, मैं सेकंड करती हूँ इस चीज को जो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। एक जदोजहद जो 370 को लेकर है, ये हमारी पार्टी ने भी कहा है कि जिस हद तक भी जाना चाहे तो हम वो पॉलिटिकली जदोजहद लड़ेंगे, ये हमने मुद्दा छोड़ा नहीं, ये हमारा नंबर वन मुद्दा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख लीजिए, बायकॉट इस बार नहीं हुआ, लोग से बाहर निकले और भारी बहुमत से उन्होंने एक अलायंस को सामने लाया है। अब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा इस अलायंस को, क्योंकि यूटी चल रही है, इसके अपने डिफरेंट रूल्स है, उसमें आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको भी बढ़ाना है, 10 से आगे हम 9+1 से आगे अभी हम जा नहीं सकते, तो काफी मुश्किलात है। इन मुश्किलातों का सामना करते हुए भी चैलेंजिंग रोल है जो उमर साहब की सरकार है उसको आगे चलाना, उसके साथ साथ जहां एलजी बैठा हुआ है बीजेपी का समर्थन करने वाला, तो उन चीजों को मनवाना और आगे बढ़ाना ये कोई आसान बात नहीं है। तो इस चैलेंज में हम यही चाहते हैं कि एक चैलेंज है इस वक्त हमारे सामने, हम उस पर काम कर रहे हैं, कम से कम टाइम दे दे, समय, थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ के लोगों की मुश्किल हो सके। ठीक है नीलोफर जी, जवाब दीजिए। रेजोल्यूशन की बात आ रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 अगस्त को जो स्टेटहुड था, कि जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू होते थे, जम्मू कश्मीर की असेंबली ये तय करती थी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी है वो ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों को क्लियरिफाइड करती है कि हम वही स्टेटहुड लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे साथी ने यहाँ पर कहा कि आप थर्ड नंबर पे आए हैं, देखिए जमहूरियत की यही एक गुलदस्ता है कि हम इस चीज को, हार को तस्लीम करते हैं, जहां पर भी हमारी चूक हुई है हम आगे के लिए लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से इस तरीके की मेहनत करेंगे। ठीक है, लेकिन सरब जी, हम अपने मंशूर को नहीं बदलेंगे, ऑपोजिशन के तौर पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड नंबर आपके पास है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो वोट शेयर के तौर पर आप बड़ी पार्टी बनकर आए हैं, लेकिन ऑपोजिशन में इस वक्त है, तो हेल्दी ऑपोजिशन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन में भी बैठेगी और सेंटर में भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर ये किंतु परंतु 370 लेके बैठे रहेंगे तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य से उज्जवल नहीं होने वाला है कि ये आपस में कहेंगे 370 वापस लाएंगे। ये एक मुद्दा था, ये अब हो चुका है, ये कुछ वापस आने वाला नहीं है। हमें आज जो मैंडेट मिला है, आज बहुत सारे मसले जम्मू कश्मीर के हैं। अब सरकार में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आगे हैं, इनको चाहिए कि लोगों के हित में जो मैनिफेस्टो लेके आए थे उस पे काम करें, और ना कि पीडीपी के आने से कि हम 370 हमारा मुद्दा है। अरे भाई, 3 तो आपके विधायक हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, पार्लियामेंट में वो पास हुआ, आप कहां से करवा लोगे और कहां से? और ये पूरे देश का एक मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो काम है वो, उमर अब्दुल्ला को आज सुन रहे थे, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई, और ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की पार्टी है, कश्मीरियों की पार्टी है, कश्मीरियों का काम होगा, इस तरह का नरेटिव एक बना था, लेकिन उसे खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि डिप्टी सीएम का चेहरा हिंदू लाया गया, वो किसी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे, एनसी के यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर के परिवार से ताल्लुक रखते थे, हिंदू चेहरा है और बड़े औहदे पर उन्हें बिठाया गया। ये नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश की गई कि जम्मू के साथ भेदभाव होगा, उसके बावजूद भी इस तरह से बातें। देखिए आशा जी, बातें करना तो सियासतदानों का एक रोजमर्रा की रूटीन है, अगर बातें नहीं करेंगे तो सियासत कैसे चलेगी। लेकिन देखिए, 5 मिनिस्टर बनाते हैं, 5 में से 3 मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस के बनते हैं, जिसमें से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है जिसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड पोलिटिकल नहीं है, एक ब्राह्मण मिनिस्टर बनता है जो इंडिपेंडेंट जीतता है और 2 दिन बाद वो ज्वाइन करता है और उसको मिनिस्ट्री में इंडक्ट करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड था, उमर अब्दुल्ला ने पहले छिक्के में ही वो रिजोल्व कर दिया, फर्स्ट सिक्सर जो
मारा उसने। सेकंड ये है कि हाँ पुरानी सरकारों में कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आदमी सीखता है जब 10 सालों में ये बाहर रहे, 10 सालों में जो एक्विजिशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगी हैं। और मैं आपको हकीकत से बताता हूँ कि सबसे ज्यादा सेकुलर और सबसे ज्यादा जिसका भारतीय क्रेडेंशियल्स है वो फारूक अब्दुल्ला है, और 2014 के पहले का उमर अब्दुल्ला और आज 2024 के उमर अब्दुल्ला में कितना फर्क नजर आया, क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके से, लहजे से समझ आता है कि एक बदलाव आया है और सरकार में अब किस तरह से काम होगा। आशा जी जमीन आसमान का फर्क है और उनकी डिलीवरेंस और ही मींस बिजनेस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, मोहसिन जी आपका भी और सरबजीत जी आपका भी। तो फिलहाल जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां आरोप लगा रही है, अब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय दे दीजिए, जल्द से जल्द काम करने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ी पार्टी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनकर आई है तो दूसरे नंबर पर बीजेपी है, और तालमेल बिठाकर किस तरह से काम किया जाएगा ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा है अब उन मुद्दों को हल करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।